तो लाओस में प्रधानमंत्री मोदी ने लाओ रामायण का मंचन भी देखा। लाओ रामायण के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, उपचुनावों के, खासतौर से उपचुनाव में होने वाले महाभारत की। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की तस्वीर आज कहा जा सकता है बिल्कुल साफ हो गई है। अटकलें थी कि यूपी में सपा और कांग्रेस में दरार आ गई है। सपा ने 6 प्रत्याशियों का जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी थी। अटकलों को और हवा भी मिल गई थी इससे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश में कांग्रेस और सपा साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जो यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर लगाई जा रही थी। यूपी उपचुनाव में दो लड़कों की जोड़ी का नारा फिर से बुलंद होने जा रहा है। दरअसल सपा कांग्रेस गठबंधन पर हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद तब संकट के बादल मंडराने लगे थे जब सपा ने बुधवार को 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। हरियाणा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेंगे। 5 सीटों का हमने प्रस्ताव दिया है, जो भाजपा गठबंधन की सीटें जो 22 में जीती थी ये लोग, हमने अपना प्रस्ताव दिया है केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करेंगे, हराएंगे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का यह बयान 16 सितंबर को आया था, लेकिन सियासी गलियारों में खबर आई कि सपा कांग्रेस को 1 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती, जिसके बाद यूपी में सपा कांग्रेस के गठबंधन को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। इन अटकलों को तब और हवा मिल गई जब हरियाणा में चुनाव के नतीजे आए। उधर हरियाणा में कांग्रेस को हार मिली और इधर अगले ही दिन सपा ने यूपी उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अखिलेश के सांसद बनने से खाली हुई करल सीट पर सपा के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। परिवार के तेज प्रताप यादव होंगे सपा प्रत्याशी। सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेरी से शोभावती वर्मा, मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद सपा प्रत्याशी है। इस लिस्ट के आने के बाद सपा द्वारा कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल सपा ने मझवा और फूलपुर की सीट पर भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, जबकि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद गठबंधन सवालों के घेरे में आ गया। हालांकि अब अखिलेश के बयान के बाद गठबंधन की तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन सीटों का बंटवारा कैसे होगा इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। वैसे भी हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस बार्गेनिंग की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है।